यहाँ पे हाइब्रिड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। आप बात करते हो भाई अल्फा की और जीटा की, तो भाई अंतर कहाँ आ जाता है ना, आपको दो चाबी कंपनी ऑफर करती है। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो के अंदर भाई हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू आपकी भाई ग्रैंड विटारा का। भाई मतलब वैल्यू फॉर मनी अगर आप बात करते हो ना, अगर आपको फीचर रिच फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, एंड भाई ये फुल हाइब्रिड है आपकी, दिस इज़ द जीटा मॉडल। मतलब अल्फा से आपका सस्ता पड़ता है, तकरीबन आपका 1.5 लाख रुपए का अंतर है। एंड आपका ECVT है, मतलब आपका इसके यहाँ कॉमन वेरिएबल ट्रांसमिशन लग के आ रहा है पूरा। कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इसके अंदर, ओला कलर भी इसका डिसेंट लगता है ग्रे जो है, बट दिस स्पेसिफिक ब्लू सॉर्ट ऑफ समथिंग बहुत ज़्यादा कमाल लगती है गाड़ी इसके। भाई पूरी बात करते हैं क्या चीज़ कैसे मिलती है। चाबी मेरे पास है गाड़ी, आपको दो चाबी कंपनी ऑफर करती है भाई। ये वाला ना आपका फुल हाइब्रिड वाला मॉडल है, वो कैसे पता चलता है ना, आप जैसे ही पीछे आओगे आपको यहाँ पे भाई रियर में आपको यहाँ पे हाइब्रिड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। एंड कनेक्टिंग टेल लैंप्स वगैरह, मतलब वो तो यार ग्रैंड विटारा आपको कोई भी मॉडल ले लो वो देती ही देती है, वही सेम चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। आप बात करते हो भाई अल्फा की और जीटा की, तो भाई अंतर कहाँ आ जाता है ना, भाई अंतर आपका आ जाता है इसके अंदर। आपको इसके अंदर लेदर की सीट्स नहीं मिलती, फैब्रिक सीट्स मिलती है, 360 कैमरा नहीं मिलता इसके अंदर आपको, आपको इसके यहाँ पडल लैंप लगे हुए नहीं मिलते हैं, बाकी यार थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस ही मिलते हैं, अदरवाइज यार डिट्टो आपकी गाड़ी है, सेम मिलती है 360 कैमरा। मतलब ना आपका यहाँ पे आगे आपको कैमरा देखने को नहीं मिलता है पूरी। जब बात करते हो गाड़ी की, आपको इसके मतलब प्रोजेक्टर वगैरह पूरा मिलता है इसके अंदर, फॉग लैंप्स कुछ अलग से नहीं आते हैं। ये आपका DRL है, यही आपका इंडिकेटर है, लॉक करता हूँ ना आप देखो यहीं से आपका ये पूरा काम करता है, अनलॉक करते हो तो भी यहीं से आपका ये काम करता है। आप देख लो DRL इसके अंदर ही आपको मिल जा रहा है, प्रोजेक्टर आपका हाई बीम लो बीम दोनों चीज़ इसी के अंदर मिलती है। आप भाई जब देखते हो फ्रंट फेशिया गाड़ी का, ये जो इसकी नोज है ना पूरी बहुत अग्रेसिव लगती है। अगर आप इसको हाईराइडर से कंपेयर करते हो ना, तो भाई हाईराइडर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना सॉफ्टर राइड पे आ जाती है, बट मैच्योरिटी अगर बोल्डनेस की बात करते हो तो भाई ये गाड़ी उससे बेटर लगती है मेरे को। बस नहीं भाई हाईराइडर से बेटर आपको एक पैकेज मिलता है, उससे लाइक थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। एंड क्रोम बहुत ज़्यादा यूज़ करो, पूरा क्रोम आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, ये LED ये LED। नीचे की आप बात करते हो ग्रैंड विटारा आपके यहाँ पे ब्रांडिंग का, मतलब यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट यहाँ पे लग जाएगी। स्किड प्लेट की जब आप बात करते हो ना, यू विल सी स्किड प्लेट आपको भाई डार्कर लाइक समथिंग, थोड़ा सा आपका सैटिन सिल्वर का टच देखने को मिलता है इसके अंदर। फ्रंट प्रोफाइल इज़ वेरी अग्रेसिव। ग्रिल की जब बात करते हो, क्रोम तो है ही पूरा, यहाँ पे पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स हैं, ये भी लोगो आपका पियानो ब्लैक के अंदर ही पूरा बैठ रहा है इसके अंदर। एंड जो इसकी पूरी हाउसिंग मिलती है आपको ऑफ द प्रोजेक्टर, ये भी आपकी पियानो ब्लैक के टचेस के यहाँ देखने मिलती है। साइड प्रोफाइल पे जैसे ही आते हो आप, सोलर कट ग्लास आपको लग के मिल रहा है इसके अंदर। रूफ रिल्स आपके इसके यहाँ साइड एंड सिल्वर टच में आते हैं, डुअल स्टेप पैनोरामिक सनरूफ आपको इसके यहाँ देखने को मिलती है। एंड विंडो जो लाइनिंग है आपकी पूरी, आपको इसके अंदर पूरा क्रोम के टचेस अच्छा खासा काम करा हुआ है। क्वार्टर पैनल आपका जो रियर पार्ट है ना, सी पिलर, उस पर आपको क्रोम लगा हुआ मिलता है, बहुत शानदार है यार। लुक अगर देखते हो ना, 1, 2 and 3 लाइक 3-डॉट डिज़ाइन जो है ना फिलोसफी सुजुकी इस टाइम जो फॉलो कर रही है, ग्रैंड विटारा की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो, रियर में तो कैमरा आपको मिलता है इसके अंदर, वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, आपका स्पॉयलर, शार्क फिन एंटेना, सब चीज़ प्रॉपरली लोडेड आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। आप यहाँ की जब बात करते हो भाई टायर सेक्शन की, तो आपके इसके यहाँ अपोलो का एप्टेरा लगा हुआ है। एंड टायर सेक्शन की जब बात करते हो, आपके इसके भाई टायर जो लगा हुआ है, लगा हुआ है 215/60R17 इंच का आपको इसके यहाँ एलॉय देखने को मिलता है। डायमंड का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। ORVMs आपके फोल्ड एंड अनफोल्ड, जब आप इग्निशन ऑन करते हो गाड़ी का तब आपके वो ऑन हो जाते हैं। एक बार भाई इसकी हम अनलॉक करता हूँ, एंड एक बार इसके हेडलैम्प्स को भाई बंद कर देता हूँ, बिकॉज इंडिकेटर आपका लाइक आपकी जो बैटरी है ना वो थोड़ी इससे ख़राब हो रही है, फालतू कोई फ़ायदा नहीं है। इंटीरियर के आपको लेदर वगैरह इस पर लाइक रैप्ड नहीं मिलता है आपको, वो अल्फा के अंदर देखने में जाता है, बट यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल ना बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का लगा हुआ है। एक बार इसका आप यहाँ पे दबाते हो, दोबारा दबाते हो, आपके ORVM लाइक अनफोल्ड हो जाते हैं ना। एंड आपका ये क्लस्टर देखो यार कितना सही लगता है ना, फुल डिटेल मिलता है, सुजुकी का लोगो आपको बना हुआ है। पूरी बात करेंगे एक बार, आप इसको लाइक यहाँ से इसका हेडलाइट्स आपकी इग्निशन ऑन, एंड देख रहे हो ना बहुत सही है यार, यहाँ से आपके हेडलाइट ऑन, ये हाई बीम लो बीम आप देख रहे हो, यहीं से हाई बीम लो बीम पूरा चलता है काम। रियर की आप बात करते हो, लुक्स वेरी अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव काम करा हुआ है। ग्रैंड विटारा की ब्रांडिंग है, रही आपकी रेक्सा की ब्रांडिंग का देखने को मिल जाती है। एंड जो रियर ग्लास एरिया आपका वाइपर यहाँ पे लगा हुआ आ रहा है, वाइपर का जो स्वाइप है ना बहुत सही है, अच्छा मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप दे रहा है, वॉशर फ्लूइड आपका यहाँ से निकलेगा। प्रोफाइल को अगर जब इन्जॉय करोगे ना गाड़ी के, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा
मैच्योर लगती है गाड़ी आपकी। इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, गाड़ी को बैक करोगे आपकी बैक यहाँ से होगी ये वाली। आपका रिफ्लेक्टर यहाँ पर देखने मिलता है। रियर स्किड प्लेट की आप बात करते हो, वी हैव इट हेयर। आपको ग्रे टच के अंदर रियर स्किड प्लेट देखने को मिलती है इसकी। बूट को एक बार मैं इसका ओपन कर देता हूँ, एंड आपकी गाड़ी बूट को यहाँ से एक बार लिफ्ट कर देते हैं। इसका आपके जो लाइट्स है ना, वो भी आपके लाइक जलते ही रहते हैं, मतलब बंद नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंद हो जाएंगे सर या कुछ फ्लिक करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता आपको इसके अंदर। चार पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्किड प्लेट अच्छी लगती है। एंड जब आप बात करते हो इसकी बूट स्पेस की ना, तो वी हैव अ लैम्प ओवर है, आपको यहाँ पर लैम्प लगा हुआ मिल रहा है, यहीं से ऑन यहीं से ऑफ, ये चीज़ आपको सही मिलती है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके अंदर। आपकी सीट जो है दैट इज 60-40 स्प्लिट। पार्सल शेल्फ आपको यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सुजुकी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत बढ़िया काम कर रही है। लॉक आपको यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा, आपको बंद करना है टू क्लोज इट वी हैव इट हेयर। ग्रैब हैंडल आप यहाँ से पकड़ो, उसको नीचे मार दो तो आपका ये गाड़ी यहाँ से बंद हो जाएगी। आपको स्पेयर टायर को एक्सेस करना है, आपका जैक एरा टूल वगैरह मिंडा बना रहा है, देख रहे हो मिंडा की ब्रांडिंग है। यहाँ पे देखते हो भाई आपका नट है, एंड आप टायर की जब बात करते हो ना आपकी, भाई ये फुल हाइब्रिड है, आपका टायर यहाँ पे लगा हुआ है, यू कैन सी इट। एग्जॉस्ट आपका एरा, एंड इस तरफ आपका एग्जॉस्ट, मतलब इसके अंदर आपको सिंगल एग्जॉस्ट टिप देखने को मिल जाती है। एंड ये जो गाड़ी है ना, पेट्रोल की गाड़ी है आपकी, जो कि आपका माइलेज क्लेम कर रही है तकरीबन 27.5 का ऑन रोड। आपको मतलब कंपनी कहती है आपको ये 27-28 के आसपास का माइलेज आपको ईजिली दे देगी ऑन पेट्रोल, बिकॉज दिस इज़ नॉट स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है आपकी, ये फुल हाइब्रिड है। स्मार्ट हाइब्रिड आपकी यहाँ पे खड़ी हुई है। एंड जब आप बात करते हो ना स्मार्ट हाइब्रिड की, तो आपको एसी ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलती है, उस पर आपकी फुल हाइब्रिड है। तो यार ये इसकी पूरी पूरी बात हो गई। टायर्स आप देखते हो, आपको डिस्क पीछे मिलता है, डिस्क फ्रंट में मिलता है। डायमंड का डिज़ाइन है आपका, 215/60R17 इंच का 5 नट, सुजुकी का लोगो, डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलता है, डिस्क ब्रेक आपको पीछे मिलता है। एंड इसके अंदर आपके जो सस्पेंशन लग के आ रहा है दैट इज़ मैकफियर्सन स्ट्रट, कंपनी लगा के देती है आपको उसके अंदर। डोर का जो हैंडल है क्रोम वगैरह नहीं मिल रहा डोर पे, रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉक अनलॉक के लिए चाबी आपकी यहाँ से लगती है। आप एक बार इसको इग्निशन यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं। एंड इसके अंदर आपका हेड्स अप डिस्प्ले भी आ जाता है, आपका हेड्स अप डिस्प्ले इसके अंदर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अल्फा में ही दिया हो, फ्रंट मोशन देख रहे हो आप, ये सब चीज़ ना पूरा बता दें। आपका डोर ये ओपन है अभी, वो चीज़ बता दी। इसके फैब्रिक की आपकी सीट्स आती हैं, ईवी मोड, ड्राइव मोड, वो सब की हम भाई पूरी अंदर बैठ के बात करते हैं। गाड़ी के एक बार मैं हुड को ओपन कर देता हूँ, एंड फ्यूल लिड को आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। डोर का पल्ला भी अच्छा खासा वेटेड मिलता है आपको। और गाड़ी का एक बार हुड को मैं ओपन करता हूँ, एंड इसका आपको इंजन मिला है ना भाई, 1500cc का आपका 3-सिलेंडर 4-वॉल्व इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी 91 PS की पावर दे रहा है। एंड ना इसके अंदर भाई आपकी ना बैटरी भी इंस्टॉल्ड है, जो कि आपकी डिग्गी के अंदर रखी हुई है। एंड वो जो बैटरी है ना, कंबाइंड अगर आप पावर की बात करते हो ना, तो भाई आप मान के चलो मतलब यार करीब करीब आपको 170 BHP की कंबाइंड पावर है, जो कि भाई टोटल आपको नहीं देगी ये, आप मान के चलो। आपको अच्छा फील होगा, भगाने में ठीक है, कोई ऐसा लैग नहीं है। यहाँ पे आप देखते हो आपको ABS मॉड्यूल वगैरह ना, वो सब चीज़ यहाँ पे फिटेड है, पूरा ऑरेंज वायरिंग आप यहाँ देख रहे हो आपकी, वो सब चीज़ है। तो क्या है ना, ये इंजन आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला है, मतलब इसके अंदर आपका K15C वाला जो इंजन है ना, वो इसके अंदर लग के आता है। ABS मॉड्यूल आपका कंप्लीटली यहाँ पे प्रेस है। कूलेंट आपका एयर, वॉशर फ्लूड आपका यहाँ से डलेगा इसके अंदर। नीटली पैक्ड इंजन है आपका, यहाँ पे देखते हो आपको भाई अच्छी खासी पूरी डैम्पिंग लगी मिल जाती है। रबराइज ट्रीटमेंट तो भाई हर कंपनी आजकल टाइम में दे रही है आपको, वो सब चीज़ें कोई अनोखी चीज़ नहीं है। अब एक बार इसको हम नीचे गिराते हैं एक बार, एंड सचिन भाई इसको ड्रॉप करेंगे यहाँ से, मैं ही कर देता हूँ यहाँ से इसको एक बार मैं बंद। वजन अच्छा मिलता है, वेटेड मिलता है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अब ना भाई एक बार अंदर बैठ के बात करते हैं गाड़ी के, कि क्या चीज़ आपको कैसे मिलती है इसके अंदर। सचिन भाई एक बार अंदर आप भी आ जाओ, अंदर बैठता हूँ एक बार। सीट आपको भाई मैनुअल ही मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह इसके अंदर नहीं मिलता। चाबी ये रही इसकी। सचिन भाई एक बार बैठो अंदर, इंप्रेशन थोड़ा बताना भाई। देखो इमिडिएट लाइटिंग ना आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जा रही है, इमिडिएट आप यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको इसके अंदर। स्क्रीन वगैरह पूरी पियानो के टच में मिलती है, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है, एंड सनरूफ की है ना, मतलब यार सनरूफ इज़ गुड, डिसेंट साइज सनरूफ मिलती है आपको इसके अंदर। मगर ना यार दिक्कत क्या है ना, ये जो देख रहे हो मच्छरदानी का भी जाल ऐसा नहीं आता, बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी का कर्टेन है। कॉस्ट कटिंग करनी थी भाई तो कहीं और कर लेते, यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। आप देख रहे हो इसमें तो धूप भी आती है, आपकी केबिन गर्म हो जाता है। एक बार ना गाड़ी को भाई मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, एंड आप यहाँ पे देखते हो आपको लाइक पूरा पियानो के टचेस देखने को मिल जाते हैं। सैटिन सिल्वर एरा आपका, क्रोम एरा, ब्लैक मैट एरा, पियानो आपको पूरा अच्छा खासा मिला हुआ है। दोबारा बताऊँ गाड़ी का इग्निशन आपका यहाँ से लाइक इग्निशन हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। आप देख रहे हो पूरा ग्राफिक्स बने आते हैं, एंड अभी FM वगैरह आपको दिखा रहा है, एवरेज वगैरह 9.5 का दिखा रही है यहाँ पर। रेंज वगैरह भी इसमें पेट्रोल वगैरह ज़्यादा होगा नहीं, ये पेट्रोल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसको म्यूट करना यहाँ पे दबा दो, आपकी म्यूट हो जाएगी, बुटक करके आवाज़ आती है। एक बार मैं यहाँ पे आपको लैंप्स भाई LED दे दो भाई,
20,50,000 रुपए की गाड़ी है आपकी, एलईडी आपको ये नहीं दे रहा यार, हद धोती है। मतलब महिंद्रा आपकी 10 लाख में भी डाल के दे रहा है। यहाँ से आपका ये लैंप यार, ये भी एलईडी नहीं है यार, मगर ड्राइवर को दे रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है, ठीक चलता है यहाँ पे। यहाँ की बात करते हैं, आपको टिकट होल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड लैंप आपको यहाँ पे मिल रहा है, मेरा आपको यहाँ मिला, अच्छी चीज़ है ये, टच अच्छा है। अब एक बार भाई सनरूफ को मैं ओपन करता हूँ ना, तो आप देख रहे हो आपकी सनरूफ यहाँ से ओपन होती है ना, सनरूफ बहुत खास है इसकी, ये ग्लास तो पीछे जाता ही जाता है आपका, अभी सिर्फ ब्लाइंड ओपन होगा आपका एंड ये ब्लाइंड ओपन। अब भाई दोबारा एक बार दबाऊंगा ना, अब आप देखना ये आपका जाएगा एंड ये भी आपका स्लाइड हो जाता है पीछे तक, तो सनरूफ का जो एरिया मिलता है भाई बहुत ज़्यादा बड़ी सनरूफ आपको मिल जाती है। इसका मतलब मेरा ऐसा लगता है पूरा आसमान खुल गया हो, आप देख रहे हो क्या साइज़ है, मतलब पूरा बहुत बड़ा एरिया है, रियर सीट से भी कोई बंदा इसको एक्सेस कर सकता है भाई। सही से बताओ i20 की सनरूफ देखते हो आप, इसकी सनरूफ कैसी है, अंतर है ना, बहुत अंतर है। पैनोरामिक के अंदर भी आप क्रेटा में सनरूफ देखते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है। इसको खुला रखते हैं, केविन की हम जब बात कर रहे हैं डिटेल पे थोड़ा, तो पियानो ब्लैक के टचेस यहाँ देख रहे हो, सैटिन सिल्वर यहाँ पे मिल जाता है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ से, आपके ORVMs को आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हो, ऑटो डाउन एंड यहाँ से ऑटो डाउन ऑटो अप, तो ये चीज़ें आपको लाइक ठीक मिल जाती है। ORVM यहाँ से खुल जाएंगे आपके, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, आप देख रहे हो एडजस्टमेंट हो रहा है, तो ठीक टच है ये भी, चीज़ ठीक है ना। अब एक बार हेड्सअप डिस्प्ले आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, जीटा वेरिएंट के अंदर हेड्सअप डिस्प्ले आपका इसके अंदर आ रहा है, पूरे कंट्रोल्स आपके। एक बार लाइट्स को मैं ऑन कर देता हूँ ना इसकी, तो लाइट्स ऑन करते आप देखते हो यहाँ पे इसमें लाइट जल गई, HUD का बटन दबाएंगे यहाँ पे हम एंड आपका हेड्सअप डिस्प्ले बाहर निकल के आ जाएगा। आई गेस इग्निशन एक बार स्टार्ट करता हूँ, ऑटोमेटिक है आपकी आपका, अब देखो भाई आपका हेड्स अप डिस्प्ले आ गया यार, इतना सेक्सी लगता है ना, मतलब यार इसी चीज़ के पैसे खर्चता है जब आदमी ये गाड़ी लेता है ना। आपका इसके यहाँ हेलो लिख के आ रहा है पूरा, आप देख रहे हो लो फ्यूल वार्निंग दे रहा है पूरी एंड यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो उसको, अगर नीचे ऊपर भी लेना है आपको, देख रहे हो इससे ऊपर ऊपर लेवल पोजिशन पूरा, एंड अगर बंद करना है तो आप इसको दबाओ दोबारा, यहाँ से आपका ये पूरा दोबारा अंदर चला जाता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, मतलब अच्छा लगता है देखने के अंदर। आपकी गाड़ी अभी EV मोड पे खड़ी हुई है, पार्क के अंदर डली हुई है, जैसे ही आप इसको यहाँ से डालते हो रिवर्स में आ गई आपकी, रिवर्स में आ गई कैमरा ऑन आपका, 360 कैमरा इस गाड़ी के अंदर आपको, इस मॉडल के अंदर ना स्पेसिफिक जीटा के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज अल्फा के अंदर आपको देखने को मिलता है। इससे आपकी गाड़ी ड्राइव में डल जाएगी, ड्राइव में जैसे आप डालते हो आप देखते हो ना न्यूट्रल है, सॉरी ये आपका ड्राइव है, इसके आपने ड्राइव में डल गई है एंड बी क्या चीज़ है भाई, व्हाट इज़ बी, बी क्या चीज़ है ना यार, ये मेरे को नहीं पता है। डी में आपकी डल गई, स्पोर्ट्स मोड वगैरह भाई इसके अंदर आता है क्या कुछ, नहीं भाई स्पोर्ट्स मोड वगैरह तो उसमें कुछ नहीं है, पहले शिफ्टर आपको उसके देखने को नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग बहुत लाइट फील होता है यार, मतलब गाड़ी बहुत बड़ी है, स्टीयरिंग बहुत लाइट मिलता है आपको। पार्क में इसको दोबारा डाल देते हैं, पी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है EV मोड, वो सब चीज़ ठीक है एंड क्लस्टर बहुत सही लगता है देखने के, डंडियाँ नहीं है भाई, अच्छी चीज़ क्या है ना, डंडियाँ वंडियाँ इसके नहीं दे रखी है, पूरा टॉगल वगैरह आपको अगर करना है इसके अंदर तो यू विल सी भैया, तो आपको अगर भाई इसके टॉगल वगैरह करना है वो सब चीज़ आपको यहाँ बटन्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप टॉगल करते हो ब्राइटनेस वगैरह पूरा, यहाँ से अभी म्यूट हो गया है, ओडो के अंदर आपकी रीडिंग दिखा रहा है ये क्या है, गाने वगैरह सुनने का है ना, इको वगैरह, इससे आप गाने आ गए आपके, नो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखते हो, लो फ्यूल सेटिंग्स के अंदर इससे आप नीचे कर लो, इससे टॉगल नीचे, टेम्परेचर यूनिट्स ब्राइटनेस फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स वो सब चीज़ डिसेंट मिल जाती है, बढ़िया मिल जाती है। डिपर की बात करते हो भाई आपको इसके अंदर ना हाई बीम लो बीम लाइक यहीं से आप देख रहे हो हाई बीम लो बीम क्लस्टर अच्छा लगता है इसका, यहीं से आपकी हेडलाइट वगैरह ऑन हो जाती है पूरा, काम यार अच्छा करती है, मतलब बढ़िया काम करती है गाड़ी ये पूरा, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है इसके। आपको AC को आप दबाओगे यहाँ से बटन, मतलब आपका फ़ैन की ब्लोअर की स्पीड को यहाँ से आप तेज कर दो भाई, ये आपका AC स्टार्ट हो गया है, कूलिंग को उसको थोड़ा कर देते हैं, गर्मी लग रही है गाड़ी के अंदर, यहाँ से आपका ये पूरा टेम्परेचर उसका सही हो गया, AC इज़ नाउ ऑन है ना, आप देख रहे हो AC ऑन है, अब भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया अपने आप, ये EV पे देख रहे हो ना, EV के अंदर अब नहीं आ रही यहाँ पे, तो आपका AC ऑन हो सकता है, जैसे मैं AC को बंद कर दूंगा ना तो आपकी हो सकता है अपने आप EV पे चली जाएगी, AC आपका बंद कर दिया मैंने एंड ये अपने आप थोड़ी देर में अपने आप ही EV पे स्विच कर जाती है, बिकॉज ना ये चलता रहता है इसके, मैंने पहले भी ये शूट करा हमने देखा हुआ है, सडन सिल्वर टचेस आपको पूरी पियानो के हाउसिंग मिलती है यहाँ पे, यहाँ पे सनग्लास होल्डर आपको देखने मिल जाता है, ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर यहाँ पे दबाओगे यहाँ से कम चौंधा जो पड़ता है ना मुँह पे, ऐसा नहीं है डंडी से ऐसा करना पड़ेगा, ये अपने आप उसको कम कर देता है घटा देता है पूरा। यहाँ की बात करते हुए एम्बिएंट लाइटिंग देख रहे हो पूरी क्या सही लग रही है, कलर चेंजिंग नहीं मिलती है, हाँ बट हाँ भाई एम्बिएंट लाइटिंग डाल दी बहुत अच्छी चीज़ है, सॉफ्ट टच है पूरा एंड आपके देख रहे हो
ईवी मोड पे अभी जाने वाली है। देखो भाई अपने आप ईवी पे चली गई, ईवी आपकी लाइट भी जल गई, इंजन अपने आप बंद हो गया ना भाई, अपने आप स्विच कर देती है पूरा ये। एंड ईवी आपके यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे एमी लाइटिंग गिर रही, आपको एसी के उन पे पियानो ब्लैक की हाउसिंग यहाँ पे भी देखने को मिलती है सेम चीज़। आप इसको ओपन करते हो, क्या सॉफ्ट ओपनिंग मिलती है? नहीं यार सॉफ्ट ओपनिंग नहीं भाई, 20 लाख रुपए का ऐसा मिलता है आपको। बट हाँ महिंद्रा की थार हो गई, आपकी स्कॉर्पियो एन हो गई ना, उससे लाख गुना बेटर मिलता है आपको। वो जो चीज़ दे रहे हैं यार वो मतलब बहुत थर्ड क्वालिटी का ग्लव बॉक्स आपको डाल कर दे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको एरा, यूएसबी पेन ड्राइव आपकी यहाँ पे लगी, वायरलेस मोबाइल चार्जर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आपका ये है सीवीटी मतलब ईसीवीटी गियरबॉक्स, ईवी मोड, ड्राइव मोड, पावर मोड में डाला रेड हो गया, नॉर्मल के अंदर आपका ये है ऐसा इको मोड है ना पावर मोड, वो सब चीज़ आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो। ईवी मोड आपका ये है, ईवी मोड के अंदर ईवी मोड अवेलेबल वो भी दिखा रहा है। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल मिलता है, क्रोम का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ की बात करता हूँ एक बार, आपको इसमें छोटा सा स्टोरेज मिल जा रहा है, आपका आर्मरेस्ट भी ना सॉफ्ट टच लेदराइट का यूज़ करा हुआ है, अच्छा फील है। यहाँ पे देखते हो सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच ये हार्ड है थोड़ा सा, क्या सॉफ्ट है नहीं। डैशबोर्ड की बात करते हो, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, भर के हार्ड प्लास्टिक है, बट हाँ थोड़ा बहुत टचेस यहाँ यहाँ तक के ना आपको सॉफ्ट फील हो जाता है। यहाँ पर भी ये बटन का जो सराउंड है ना क्रोम के अंदर देखने को मिलता है, ब्लू कलर का पावर बटन आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब एक बार ना भाई इस गाड़ी से लाइक अभी ईवी मोड के अंदर पार्क के अंदर खड़ी हुई है आपकी, है इसका इग्निशन ऐसे मैं बंद कर देता हूँ एक बार, आपकी अपने पूरा चला गया, क्या दिखा रहा है देख रहे हो कितनी देर मैंने स्टार्ट रखी है, वो सब चीज़ की पूरी बात करता है। ये ढक्कन मिलता है, इसको इससे नीचे कर दो, इस ढक्कन को इससे नीचे कर दो, यूएसबी वगैरह 12 वोल्ट वो सब चीज़ ठीक है। स्टीयरिंग भी डिसेंट है, हॉर्न बजाऊँ एक बार, एक हॉर्न भी ठीक मिलता है शोरूम के अंदर खड़े, ज़्यादा मैं हॉर्न नहीं बजाऊंगा, चाबीज की आपको दो मिल जाती है, पियानो ब्लैक के टचेस वगैरह वो पूरी बात कर चुके हैं। एक बार ना भाई अब रियर सीट पे चल के मैं बात करता हूँ, सनरूफ अभी खुल जाने बंद कर देंगे, एक बार रियर सीट पे चल के बात करता हूँ मैं। एंड आप जैसे ही रियर सीट में आते हो ना भाई, ये वाली सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है मैंने, आप यार बात करोगे ना भाई मैं बहुत गाड़ियों में बैठा हुआ हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा हेडरूम कम है, मेरा यार सिर टच हो रहा है। एंड वो सिर क्यों टच हो रहा है ना भाई, आपकी सनरूफ जो है ना ये पीछे तक जा रही है, ये जगह खा जाती है, ये अंदर जाती है ना पूरा फोम की, तो फोम नीचे करनी पड़ेगी ऑब्वियस सी बात है, तो हेडरूम में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा हो जाता है। आप बिना सनरूफ वाला अगर वेरिएंट लोगे ना आपको भाई भर के हेडरूम मिलेगा गाड़ी के अंदर, अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, फोम इज़ वेरी हार्ड बढ़िया मिल रहा है, नी रूम इज़ गुड, एंड सीट्स आपके फैब्रिक के हैं, आपको अंडर सीट पॉकेट यहाँ मिल जा रही है, पॉकेट यहाँ मिल जा रही है, कवर वगैरह चढ़वा लेना भाई, इनमें धूल भर जाती है आपकी। आपको तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको भाई आर्मरेस्ट मिल रहा है विद टू कप होल्डर्स, ये कप होल्डर आपको दो इसके लगे हुए मिल जा रहे हैं, बढ़िया टच है, तीनों एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। सनरूफ वगैरह तो देखो यार सनरूफ ना यहाँ तक आती है बैक, कोई बच्चा बच्चा हो ना आपको यहाँ खड़ा करो उसको पूरा चकाचक बाहर निकलेगा वो, बट यार ऐसा करना नहीं चाहिए, सचिन भाई को देख रहे हो इधर उधर देख रहे हैं पूरा। एंड हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको मिल जाती है इसके अंदर, एयर बैग्स भी आपको इसके अंदर भाई 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, आपको कर्टेन एयर बैग्स, SRS एयर बैग, वो सब चीज़ दो आगे हैं, दो आपके लाइक पिलर्स पे हैं, यहाँ पे भी SRS एयर बैग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। लैंप आपको यहाँ पर भी यार पीली लाइट, भाई कौन डालता है पीली लाइट, मैं पॉकेट्स में पीली लाइट कोई नहीं डालता, थोड़ा बहुत अगर सुधार हो जाना यार, ये गाड़ी बहुत सॉलिड है, क्रेटा से यार आई वुड से बेटर है, बट यार क्रेटा एक लाइक हिट प्रोडक्ट है, कंट्री का हिट प्रोडक्ट है, हुंडई का नहीं कंट्री, भाई हर आदमी खरीदता है, मैंने भी क्रेटा ही खरीदी, रीसेल बहुत अच्छी है, फीचर्स भी ठीक हैं, लुक भी ठीक है, बट यार ये थोड़ा सा नया प्रोडक्ट है, अगर ट्रस्ट हो ना तो ये गाड़ी ओके है, आप अगर लेना चाहो नया प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो, ईवी है यार और पेट्रोल के अंदर ना यार माइलेज है यार, मतलब कसम से बहुत ज़्यादा अच्छा माइलेज दे रही है आपको। आपको इसके भाई 2 ट्विटर्स एंड 4 स्पीकर का सेट मिल जाता है पूरा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आपको इसके अंदर पैरों के अंदर ही फुटवेल लाइटिंग वगैरह वो सब चीज़ मिल जाती है, देख रहे हो पैरों में लाइट पड़ रही है, तो वो पैरों में जो लाइट पड़ रही है ना वो इसके अंदर आती ही आती है, आप सामने आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो अच्छे टचेज हैं। एक बार भाई पूरी गाड़ी की बात कर चुके हैं, आपको 2 AC के वेंट यहाँ मिल जा रहे हैं, यहाँ की बात करते हैं आपको 2 USB-C यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं, ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल वगैरह यहाँ से कर सकते हो आप। तो भाई आपको इस गाड़ी का वीडियो कैसा लगा, आपको मतलब यार गाड़ी कैसी पसंद है नहीं है क्या चीज़ है ना, प्लीज़ कमेंट्स के अंदर बताना यार, ऐसे वीडियोज़ ना आपको इस चैनल पे भाई मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।